डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ये मान लिया जाए ना कि किसान का ये मुद्दा किसानों की परेशानी के हल को लेकर नहीं है, किसान का ये मुद्दा राजनीति को लेकर है। कृष्णवीर चौधरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज, नहीं एक सेकंड रोहन गुप्ता, मैं ये कह रही हूं कि जब पश्चिम बंगाल में उन लाखों किसानों को किसान निधि योजना का फायदा नहीं मिलता है कृष्णवीर चौधरी, तब ये अतुल अंजान साहब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तब योगेंद्र यादव की नींद क्यों नहीं टूटती है? तब हन्नान मौला के मुंह से दो विरोधी या विपक्षी शब्द क्यों नहीं निकल पाते हैं? खुद ही मुद्दा एक्सपोज कर दिया है। आप ये देखिए कि 38 लाख किसानों ने डायरेक्ट जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ऐप है उस पर सीधे सीधे उन्होंने अपना आवेदन किया है कि हमको इस योजना का लाभ दिया जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो 70 लाख किसानों का अधिकार था उसमें जब कोई उसने कोई जिम्मेदारी से अपना जिम्मेदारी का रोल नहीं अदा किया, तब विपक्षी दलों का ये फर्ज बनता था, कांग्रेस का बनता था, वाम दलों का बनता था कि उन 70 लाख किसानों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, तब आवाज़ नहीं उठाई जो किसानों के लिए बोलना था तब नहीं बोले। ये तो पूरा देश देख रहा है और जो लोग बहस भी हिस्सेदारी करते हैं, मेरा इनसे कहना अपने भैया सब लोग राजनीति में हो, कोई लोकदल में है कोई कांग्रेस में है, आप किसानों की बात जब करो तो दलों की बात करते हो, आप किसानों की नहीं करते। तमाम लोग जो है सुनिए, ये आरएलडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इसमें कोई झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। ये राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन आज जो स्थिति है आज तो शुद्ध रूप में राजनीति हो रही है, किसानों के नाम पे हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मुझे ये बताइए, जब पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 ये कहता है कि 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और साथ में जेल की सजा, एक भी नेता ने उस कानून का क्या विरोध करा 2013 से? नहीं करा। हरियाणा के हुडा जी ने खुद ये स्वीकार कर लिया विधानसभा में परसों कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया था। अगर हुडा जी ने बनाया था तो हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने बनाया था, हमने कभी चौधरी साहब अब जवाब दीजिए, पुष्पेन जी, लेकिन ये तमाम राजनीति हो रही है और कुछ भी नहीं है। अरे मर्द बनो और सामने आके कहो कि हम राजनीति कर रहे हैं, जोड़ों की तरह कोई पीछे चिपके काम नहीं। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कृष्णवीर चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने शब्द वापस ले लीजिए प्लीज, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप शब्दों का चयन थोड़ा तरीके से करें, मैं ये कह रही हूँ। पुष्पेन जी आप सुन लीजिए, ऐसा नहीं दूसरे के बीच में बोलते जाएंगे। आपकी फेसबुक आईडी पे कोई भी व्यक्ति जाके देखे तो उसमें सब चीज पता लगती है कि आप बीजेपी की व्यक्ति हैं और आपका जो कार्ड नंबर है वो भी मेरे पास है, चाहे तो इनके प्रवक्ता इनके जो वो है नीरज जी उनके उस पर भेज दूंगा। और मोहन भागवत से लेकर के सबके साथ आपके फोटो है, आप बीजेपी के आदमी है, इंडिपेंडेंट किसान नेता नहीं है। सुनिए, हम भी सारे राजनाथ जी से 10 बार मिल चुके हैं, नहीं 20 बार मिल चुके हैं, अगर मिलने की बात ही है। और जहां तक है तुम लोकदल में थे, लोकदल में हो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप चुनाव लड़िए, कांग्रेस से लड़िए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप ये क्यों कहते हो कि शुद्ध रूप में राजनीति करिए? कृष्णवीर जी सुनिए, आप सुनिए, तो आप सुनना नहीं चाहते भाई। आपका कार्ड नंबर है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा। और यहाँ पर जो अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप भाजपा के आदमी शुद्ध रूप में काम, आप बार बार मत बोलिए बीच में, आप बात को जाने दीजिए हमारी, इनका ऑडियो थोड़ा डाउन करिए तब पता लगेगा, पहली बात। दूसरा ये है कि यदि कोई जन सरोकार के मुद्दे पे कोई भी व्यक्ति, सेलिब्रिटी, सामान्य व्यक्ति, पॉलिटिकल पार्टी यदि खड़ी होती है तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या अन्ना आंदोलन में सारी बीजेपी, सारा आरएसएस, सारे रामदेव और ये भी कृष्णवीर चौधरी जी भी नहीं खड़े हुए थे? तो इसमें कोई सरोकार, कोई प्रतिबंधित व्यक्ति हो तो उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जन सरोकार के मुद्दे पे लोग खड़े होते हैं तो आपको जो है बिल बिलाने की आवश्यकता नहीं है। और हम ये समझ गए हैं जन सरकार और राजनीतिक दोनों बहुत अलग है ना पुष्पेन जी। मैं एक सेकंड रुकिए, कृष्णवीर जी एक सेकंड रुकिए, पुष्पेन जी मुझे बताइए, आप ईमानदारी से बताइए,
अगर ये जन सरोकार है, अगर ये किसानों का सरोकार है, तो जब 2,000 रुपए बंगाल के किसानों के खाते में जाने चाहिए थे और नहीं गए, तब आप लोग कहां थे? तब आपके दिल को क्यों नहीं चोट पहुंच रही थी? बता रहा हूं, ये योजना 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई थी और कुछ किसानों के रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे आगे हुए थे। हमने ये कहा था इनसे कि जिस किसान का भी जब भी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे 1 साल बाद हो 2 साल बाद हो, उसके बैक डेट से सारे पैसे मिलने चाहिए। कश्मीर जी बता दें कि हाँ ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं। आज अगर मिलने चाहिए, बैठ कर बोलना तो बहुत आसान है। मैं कह रही हूँ, आपका आंदोलन कहाँ है? किसानों के सरोकार को लेकर आप लोग आज तो सबके सब बंगाल पहुंच गए, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब क्यों नहीं दिखाई गई जब असल में पैसा किसान के खातों में जाना चाहिए था? हमारे साथ गुरनाम सिंह चरूनी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। नुपुर जी, मैं एक सेकंड आ रही हूँ, चरूनी साहब से एक दफा हम बातचीत कर ले वन ऑन वन। चरूनी साहब, इस वक्त आप बंगाल में? जी हाँ, बंगाल में, कलकत्ता में हूँ। आपने तो कहा था कि आप राजनीति नहीं करेंगे, आपने कहा था कि किसी को हम मंच नहीं देंगे, और आप उस जमीन पर जहां पर चुनाव हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हम उस जमीन पर हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, और उस पार्टी का विरोध करने आए हैं जो पार्टी देश को बेच रही है। हम खुद राजनीति नहीं करने आए, खुद इलेक्शन लड़ने नहीं आए, चुनाव लड़ने नहीं आए, लेकिन जो पार्टी देश को बेचे, जो पार्टी देश का में बेरोजगारों का हक छीने, जो किसानों का हक छीने, जो पूरे देश का बिजनेस चंद कारपोरेट घरानों को दे, जो पार्टी कारपोरेट के कारपोरेट के क्लर्क के तौर पे काम कर रही हो, उस पार्टी को देश नहीं सौंपना चाहिए, उस पार्टी को के हवाले देश को नहीं करना चाहिए। ये समझाने हम यहाँ के लोगों को आए हैं कि ये लोकतंत्र का गला घोट रही है पार्टी से। पहले दिन से चरूनी साहब कर लेना चाहिए था ना, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की इसी संयुक्त तो किसान मोर्चा ने बात कही थी, क्योंकि आप दिग्विजय सिंह से मिले, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के एक नेता भी वहां पर मौजूद थे, उदित राज भी वहां पर मौजूद थे। तो आप ये कह रहे हैं कि इस पार्टी के खिलाफ, यानी बीजेपी के खिलाफ, आप बाकी पार्टियों से मिल गए हैं? जी जी, देखिए, जहाँ तक दिग्विजय जी का सवाल है, दिग्विजय जी और बहुत से नेता धरनों पे आए हैं, बहुत से धरनों पे मिले हैं। मैं उनके मंच पे नहीं गया, वो हमारे मंच पे भी नहीं आए, वो धरने पे जहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ था वहाँ पे गए हैं मिलने के लिए। बहुत से नेता गए हैं, एक नहीं गया है। रही बात दूसरी, उदित राज की एक दलित सम्मेलन था, उसमें एक पार्टी थी ना, मैं गलत हूँ क्या? मैं तो पिक्चर के पीछे की बात कर रही हूँ, जिसको लेकर आपके खिलाफ जांच बिठाई गई थी। आप इन्हीं पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे ना? की बात है सा? नहीं, गलत बिठाई गई थी, मैं सामने की बात कर रहा हूँ, पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। जांच बिठाई गई थी, फिर किया क्यों नहीं कुछ? मैं सामने की बात कर रहा हूँ, अब भी हम कर रहे हैं। हम दलितों को साथ में जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो मजदूर भाई हैं, जो दलित भाई हैं, ये कानून उनके भी खिलाफ है। हमने 21 तारीख को फिर कैथल में पंचायत कर रहे हैं, दलित पंचायत है। 25 तारीख को अमृतसर में दलित पंचायत कर रहे हैं। आप आगे हम अब भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उन दलित भाइयों को साथ में जोड़ रहे हैं। नहीं, आप दलित भाई कैसे आ गए? आप लोग चाहते क्या हैं? आप कभी कहते हैं हम किसानों के संघर्ष के लिए हैं, फिर आप राजनीतिज्ञों के लिए बात करने लग जाते हैं, कहते हैं कि हम दलितों को साथ लेकर चलेंगे, फिर आप बंगाल पहुंच जाते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। देखिए, इन कानूनों से पैदा करने वाला जो किसान है उसको नुकसान होगा, जो मोल लेके खाने वाला है वो कोई भी है, देश का कोई भी नागरिक, उसमें आप भी हैं, उसमें मीडिया वाले भी हैं, उसमें जो शहर वाले हैं वो भी हैं, उसमें मजदूर भाई भी हैं। हम सभी से अपील कर रहे हैं कि आपको ब्लैकमेलिंग झेलनी पड़ेगी। 4 साल पहले दाल 50 रुपए में किलो खरीदी थी और 200 रुपए किलो में बेची थी। महाराष्ट्र की सरकार ने दाल में स्टॉक सीमा पर छूट दी थी, आपने भी 200 रुपए किलो की दाल लेके खाई है। हम वो स्थिति से बचाना चाह रहे हैं जब पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द,
डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।